अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं डॉक्टर सजरा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज हम शुरू करने लगे हैं जी एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स पढ़ने से पहले हम अपने मेन पहले बेटा फिजियोलॉजी पढ़नी है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट बॉडी में कैसे बनता है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो फैक्टर्स हैं आपके जो ब्लड क्लॉट में रोल प्ले करते हैं मेजर। एक आपको क्लॉटिंग कैस्केड है, एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथ पे होता है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथ पे होता है क्लॉट, और साथ आपके प्लेटलेट्स हैं मेजर ब्रॉडली अगर उनको डिवाइड करो जो रोल प्ले करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पहले फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन होती कैसे है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व। फिर हम देखेंगे जो एंटीकोगुलेंट्स हैं तो उन स्टेप्स में किसे किन किन स्टेप्स को रोक रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा, जो नॉर्मल हमारी वेस्कुलर लेयर है, वेसल्स हैं, दे आर नॉर्मली एंटी कोगुलेंट, मीनिंग देयर बाय कि दे डू नॉट नॉर्मली एडहेयर प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो नॉर्मली दे डू नॉट एडहेयर विद द वेसल्स। ठीक है, नॉर्मली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है, बट अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्लेटलेट वेसल इंजरी। ठीक है, तो दिस सेट्स इन टू मोशन दिस कैस्केड दैट लीड्स टू अल्टीमेटली अ क्लॉट फॉर्मेशन एट द इंजरी साइट। अच्छा, स्टेप वाइज अब होता क्या है जी। सबसे पहले जो इंजरी है एट द लेवल ऑफ द वेसल्स बेटा, इट एक्सपोजेस एट द फर्स्ट स्टेप में सब एंडोथेलियल प्रोटीन हैं उसमें। आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस पिंक मार्क इज योर वेसल। यहाँ पे इंजरी हुई है, कट लगा है, तो इट हैज़ एक्सपोज ब्लू मार्क जो है, दीज आर द कोलेजन एंड वॉन विलीब्रांड फैक्टर। ये जो होते हैं वॉन विलीब्रांड फैक्टर, दैट बाइंड्स टू कोलेजन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड इट बाइंड्स विद द प्लेटलेट्स थ्रू GP1B रिसेप्टर्स, जो पर्पल मार्क हैं उसके थ्रू ये प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन करता है, एंड दिस लीड्स टू प्लेटलेट एडहेरेंस टू द वेसल वॉल, द फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, अब बेटा वंस द प्लेटलेट्स हैव एडहेयर्ड टू द वेसल वॉल, सेकेंड स्टेप में अब क्या होता है जी, सिक्रीशन होती है और सिंथेसिस होती है सब्सटेंसेस लाइक। सिक्रीशन कैसे होती है, प्लेटलेट्स के अंदर डिफरेंट ग्रैनुल्स होते हैं विच कंटेन ADP, कैल्शियम, सेरोटोनिन, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस होती है विद इन द प्लेटलेट्स। अब सेकेंड स्टेप में इन सब चीज़ों की रिलीज होगी फ्रॉम द प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, दे आर बेसिकली प्रो एग्रीगेंट, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराएंगे, थर्ड स्टेप। ठीक है, अब एग्रीगेशन कैसे होती है, दो प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स की आप देख सकते हो जो येलो मार्क्ड हैं, दीज आर द टू डिफरेंट प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो अब एग्रीगेशन कैसे होती है बेटा, देर सेकेंड रिसेप्टर टाइप होती है प्लेटलेट्स पे, GP1B हमने देखा था वो बाइंड एडहेयर कर रही थी विद द वेसल वॉल, GP2B3A, ठीक है, दीज आर नोन एज द इंटेग्रिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज आर द मार्क जो आपके नेवी ब्लू मार्क हुए हैं, दे विल नाउ बाइंड विद द फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल जो ब्लू में मार्क्ड है दो प्लेटलेट्स के दरमियान। ठीक है, दे विल बाइंड दिस 2P3A जो रिसेप्टर्स हैं, बाइंड फिब्रिनोजन को बाइंड करके दे विल क्रॉस लिंक एडजेसेंट प्लेटलेट्स। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड दिस फॉर्म्स द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, जो प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन बन रही है एट द लेवल ऑफ द वेसल जहाँ पे इंजरी है, कट है, वहाँ बॉडी क्या करती है, इट फॉर्म्स अ क्लॉट टू स्टॉप द ब्लड फ्लो ऑब्वियसली, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो दिस द प्राइमरी प्लेट जो आपका क्लॉट बना है, दिस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ योर प्लेटलेट प्लग। अच्छा जी, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, योर कोगुलेशन सिस्टम कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल में हम आगे देख लेंगे कि कोगुलेशन सिस्टम कैस्केड क्या करता है। बेसिकली इट रिजल्ट्स इन थ्रोम्बिन जनरेशन, और थ्रोम्बिन अल्टीमेटली बेटा आपके फिब्रिनोजन को जो है कन्वर्ट करता है इनटू फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, फिब्रिन पॉलीमर्स, और ये जो फिब्रिन पॉलीमर्स हैं अल्टीमेटली दे आर डिपॉजिटेड ऑन दिस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, जो क्लॉट बना था प्लेटलेट से कम्पोज, ये उस पर फिब्रिन डिपॉजिट हो जाती है एंड दिस फॉर्म द सेकेंडरी प्लग विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, विच इज़ इरिवर्सिबल एंड मोर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म बाई विच आपके क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें प्राइमरीली आप देख सकते हो, यू शुड नो द इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर्स इन्वॉल्व,
GP1B रिसेप्टर ऑफ द प्लेटलेट्स एंड GP2B3A रिसेप्टर्स ऑन द प्लेटलेट्स, उनके रोल क्या हैं. फिर इसी तरह यू शुड नो द रोल ऑफ द कोलेजन एंड द वॉन मिलिग्रेंट फैक्टर. एंड थर्डली यू शुड नो द रोल ऑफ द कोगुलेशन सिस्टम कैस्केड. ठीक है, ये आपने फिजियो में पढ़ लेना, देख लेना है कि अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स द सॉल्युबल फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल्स इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन पॉलीमर्स. ठीक है, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग पे, और जो अल्टीमेटली क्लॉट फॉर्मेशन है प्राइमरीली उसमें जो रोल है वो आपके प्लेटलेट्स का और आपके कोगुलेशन कैस्केड का है. अच्छा बेटा, ये तो था नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या है. जहाँ भी इंजरी होती है बेटा, क्लॉट फॉर्मेशन इज बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सो स्टॉप द ब्लड फ्लो. मगर अगेन यू शुड रिमेंबर कि पैथोलॉजिकल क्लॉट फॉर्मेशन भी बॉडी में होती है, और हमारे एंटीकॉगुलेंट्स जो हैं बेसिकली इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉट मैकेनिज्म को नहीं रोकते, इन पैथोलॉजिकल क्लॉट्स पे बन जाते हैं आर्टरीज में, वेन्स में. ये उनको टारगेट करने के लिए हैं, फॉर विच यू शुड नो द फिजियोलॉजी ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन. ठीक है, अब जब बेटा हमारे आर्टरीज में बनते हैं क्लॉट्स, ठीक है, मोस्टली दे आर प्लेटलेट रिच. ठीक है, जो प्राइमरी प्लेटलेट ब्लड था आपकी आर्टरीज में जो बनते हैं, एज कम्पेयर टू दैट जो वेनस क्लॉट्स हैं वो देखा गया है कि दे आर मोर फिब्रिन रिच. ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा ऑल थ्रोम्बाइज दे आर मिक्सड हैं, ये आप ना भी पता हो आपको, लेकिन थोड़ा सा आर्टरीज और वेन्स में जो डिफरेंस है क्लॉट फॉर्मेशन का वो पता हो. वेनस क्लॉट्स जो हैं दे आर फिब्रिन रिच, मोर फिब्रिन रिच, और जो आर्टरीज में क्लॉट्स हैं दे आर प्लेटलेट रिच. ठीक है जी, और जो वेन्स में क्लॉट्स हैं इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं बेटा, दे कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म. और जो आर्टीरियल क्लॉट्स हैं दे रिजल्ट इन आपके स्ट्रोक्स में, अगर CNS में है तो दे आर कैन लीड टू स्ट्रोक, हार्ट में है तो दे कैन लीड टू हार्ट अटैक्स वगैरह. तो यहाँ पे है वेयर वी हैव टारगेट बेस एंटीकोगुलेंट थेरेपी. अच्छा जी बेटा, अब है ये आपका ब्लड कोगुलेशन कैस्केड. आप देख सकते हो कि आपने फिजियो में वैसे पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ सिर्फ फार्मा से रिलेटेड थ्रोम्बिन का रोल आपने डिटेल में देखना है, फैक्टर 10 का रोल और फिब्रिन और फिब्रिनोजन का रोल. आप देख सकते हो कि दो पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. ये दोनों अल्टीमेटली कल्मिनेट करते हैं जहाँ मिल जाते हैं, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 से फैक्टर 10A. ठीक है जी, अभी फैक्टर 10A जो है बेटा, इट कन्वर्ट्स योर प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. This is a factor 2A. ठीक है जी, और दिस थ्रोम्बिन जो है इट हैज़ अ सेंट्रल रोल इन हीमोस्टेसिस. इन दिस कोगुलेशन कैस्केड में इसका सेंट्रल रोल है, वो आपको थोड़ा डिटेल में फार्मा के लेवल पे पता हो. फिजियो में तो आपको ये पूरा प्रोसेस ही आना चाहिए, मगर फार्मा के लिए यू शुड नो द रोल ऑफ थ्रोम्बिन अ बिट इन डिटेल. ठीक है, थ्रोम्बिन बेटा बेसिकली क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट्स द फाइनल स्टेप जो था सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग जो बन रहा था, इट कन्वर्ट्स क्लीव करता है आपके स्मॉल पेप्टाइड फ्रॉम द फिब्रिनोजन और उसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन मॉलिक्यूल पॉलीमर्स. ठीक है जी, इसके अलावा इट हैज़ गॉट अदर रोल्स एज वेल. थ्रोम्बिन इसके अलावा आपके बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है. ठीक है, इसके अलावा ये एक्टिवेट करता है आपके फैक्टर 13 को. ठीक है, वो भी फिब्रिन पॉलीमर को और स्टेबल करता है, क्रॉस लिंक करता है फिब्रिन पॉलीमर्स को, या फैक्टर 13 ये उसको भी एक्टिवेट करता है. इसके अलावा फोर्थली थ्रोम्बिन इज अ प्लेटलेट एक्टिवेटर एज वेल. अदर देन द एक्शन एट द लेवल ऑफ द कोगुलेशन कैस्केड, ये प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करता है. ठीक है जी, तो दीज आर द फोर थ्रोम्बिन के जो प्रो कोगुलेंट एक्शन हैं, कोगुलेशन को जो प्रोमोट कर रहे हैं. इसके अलावा जो इसका रोल है, इट हैज़ गॉट पैराडॉक्सिकली एन एंटी कोगुलेंट रोल एज वेल. यहाँ पे तो ये कोगुलेशन प्रोमोट कर रहा था इन पहले चारों स्टेप्स में, ये एंटी कोगुलेशन को भी मगर एक्टिवेट करता है बाय एक्टिवेटिंग द प्रोटीन सी पाथवे. हम देखेंगे वो क्या करती है आगे. ठीक है, लेकिन जो आपको इसके प्रो कोगुलेंट रोल्स हैं वो थोड़ा थ्रोम्बिन के डिटेल में आते हैं. अच्छा जी, अभी तक बेटा जो हमने चीज़ें देखी हैं, दीज आर द बॉडी में जो प्रो कोगुलेंट फैक्टर हैं, जो प्रो कोगुलेंट चीज़ें हैं क्लॉट को प्रमोट कराती हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं. आपके प्लेटलेट्स हो गए, आपका कोगुलेशन कैस्केड हो गया, कोगुलेशन कैस्केड के अंदर आपके थ्रोम्बिन हो गया, फ्रॉम उसके अलावा आपका फिब्रिनोजन का रोल हो गया. दीज आर ऑल प्रो कोगुलेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, अब बॉडी में एंटी कोगुलेंट भी हैं, एंडोजेनस एंटी कोगुलेंट्स.
हम आज एंटीकॉगुलेंट्स ही पढ़ने लगे हैं, अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकली हम क्या देते हैं, मगर विद इन द बॉडी भी एंटीकॉगुलेंट्स जो हैं वो क्या हैं। हमें दो मेन आपको पता होने चाहिए, वन इज़ द एंटी थ्रोम्बिन, एज द नेम इज सजेस्टिंग बेटा ये क्या करता है, इट इज़ एंटी थ्रोम्बिन, ये इनएक्टिवेट करता है प्राइमरली योर थ्रोम्बिन, इसके अलावा आपके फैक्टर्स 9, 10, 11 and 12 को, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंडोजिनस एंटीकॉगुलेंट। इसके अलावा यू हैव गॉट प्रोटीन CNS, ठीक है, ये आपके इनएक्टिवेट करती हैं फैक्टर 5 और 8 को, तो दिस टू जो है दीज आर योर एंडोजिनस एंटीकॉगुलेंट्स। तो देखिए अब बेटा हम पढ़ेंगे जो फार्माकोलॉजिकली हमारे पास एंटीकॉगुलेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें फर्स्ट ग्रुप है आपका इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। अब इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का क्या मतलब है बेटा, थ्रोम्बिन आपने देख लिया इट हैज़ अ सेंट्रल रोल इन क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोकॉगुलेंट है, तो ये हमारे जो एंटीकॉगुलेंट का फर्स्ट ग्रुप है ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा है मगर नॉट डायरेक्टली, ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली इनएक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन फैक्टर, इनडायरेक्टली कर रहा है। इनडायरेक्टली कैसे करता है ये हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं, इट इंटरैक्ट्स विद एंटी थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन आपको बता दिया है कि इट इज़ एन एंटीकॉगुलेंट, एंडोजेनस एंटीकॉगुलेंट है जो कि थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इनएक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन बट दे आर इनएक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन थ्रू एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रू एनहांसिंग द एक्शन ऑफ द नॉर्मल एंडोजेनस एंटीकॉगुलेंट इन द बॉडी। इसमें आपका मेजर ग्रुप आ जाएगा हेप्रिन्स का, उसमें आगे डिफरेंट टाइप्स हैं हेप्रिन की, अनफ्रैक्शनेटेड हेप्रिन है, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन जिसको कहते हैं, देन देयर इज द लो मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन, इसमें नॉक्स अपेरेंट, डेल्टा अपेरेंट, टिल्टा अपेरेंट एंड द सिंथेटिक पेंटासैकेराइड सीक्वेंस है फोंडा अपेरेंट, दीज एक्ट थ्रू द इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर मैकेनिज्म। अच्छा जी, केमिस्ट्री वाइज हेप्रिन इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फेटेड ल्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मॉलिक्यूल। अच्छा, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेप्रिन, हेप्रिन जो है बेटा इट्स एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एंटी थ्रोम्बिन। एंटी थ्रोम्बिन क्या था, बेसिकली इट वॉज इनहिबिटिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें थ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 इनको इनएक्टिवेट कर रहा है। अब इन द एब्सेंस ऑफ हेप्रिन दीज रिएक्शंस आर स्लो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हेप्रिन क्या होता है कि दिस एंटी थ्रोम्बिन मीडिएटेड इनएक्टिवेशन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज एक्सेलरेटेड ऑलमोस्ट 1000-fold। अच्छा जी, फर्स्ट बाइंड विद द एंटी थ्रोम्बिन बेटा, ये हेप्रिन के ऊपर वी हैव गॉट अ पेंटासैकेराइड सीक्वेंस, दिस पेंटासैकेराइड सीक्वेंस जो है बेसिकली इट इज़ नीडेड फॉर दिस हाई एफिनिटी बाइंडिंग टू द एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो डायग्राम में ग्रीन मार्क इज द एंटी थ्रोम्बिन, और आपके जो बीडेड से हैं डार्क पर्पल में दीज आर योर हेप्रिन मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाली डायग्राम में शॉर्ट बीड है ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन है, नीचे वाली डायग्राम में लॉन्ग बीडेड पर्पल सी है जो दिस इज योर लॉन्ग हाई मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन, ठीक है, ये बाइंड कर देते हैं विद एंटी थ्रोम्बिन किस तरह, थ्रू अ पेंटासैकेराइड सीक्वेंस, ठीक है जी। अब क्या होता है, दिस बाइंडिंग जो है दिस कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंटी थ्रोम्बिन, और ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है एंटी थ्रोम्बिन में इट एक्सपोजेस इज एक्टिव साइट फॉर मोर रैपिड इंटरेक्शन विद द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, फॉर विद फैक्टर 10 एंड विद फैक्टर थ्रोम्बिन के साथ अ मोर रैपिड इंटरेक्शन होती है, ऑलमोस्ट 1000 times मोर रैपिड इनएक्टिवेशन होती है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की अब इन द प्रेजेंस ऑफ हेप्रिन, ठीक है जी। हेप्रिन जो है बेसिकली फंक्शन करता है एज अ को फैक्टर इन दिस होल प्रोसेस, को फैक्टर का मतलब ये है कि इट इन्हांसेस दिस रिएक्शन मगर इट इज़ रिलीज इंटैक्ट वंस इट हैज़ डन इट्स जॉब, ठीक है, इट इज़ नॉट कंज्यूम इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सम ऑफ द मैकेनिज्म बेटा, इन सिंपल वर्ड्स हेप्रिन जो है बेसिकली इट इज़ एनहांसिंग द एक्शन ऑफ द नॉर्मल एंडोजेनस एंटीकॉगुलेंट ऑफ द बॉडी दैट इज़ एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन मीडिएटेड जो इनएक्टिवेशन हो रही है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स प्राइमरीली फैक्टर 10 एंड फैक्टर 2 दैट इज थ्रोम्बिन, उस प्रोसेस को ये इन्हांस करता है, इस तरह इट हैज़ गॉट एंटीकॉगुलेंट एक्शन। उसमें भी यू शुड नो कि दो सब टाइप्स हैं हेप्रिन की, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन जो है इट इनहिबिट्स बोथ थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेप्रिन है इट इनहिबिट्स ओनली एक्टिवेटेड फैक्टर 10, ठीक है, इट हैज़ गॉट लेस इफेक्ट ऑन थ्रोम्बिन।
उसकी वजह क्या है, ये पीछे आप डायग्रामेटिकली जो आपको डायग्राम दिखाई है उसमें देख सकते हो कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन है, इनएक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बिन को बेसिकली उसको दोनों जगह बाइंड होना पड़ता है, एंटी थ्रोम्बिन पे भी और हैप्रिन के साथ भी। लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन है उस पर सिर्फ एक बाइंडिंग साइट है, इट कैन बाइंड टू द एंटी थ्रोम्बिन बट इट कैनॉट बाइंड टू द थ्रोम्बिन, दैट्स वाई इट कैनॉट इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन, इट ओनली इनएक्टिवेट फैक्टर 10। ठीक है जी, इसमें आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन के थोड़े से नाम कर लेना, इनॉक्सिपेरिन, डेल्टापेरिन, टेंजापेरिन। अच्छा जी, अब बेटा आपको कंपैरिजन पता हो अनफ्रैक्शनेटेड जिसको कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन का। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस इनके मॉलिक्यूलर वेट में ही है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट लेस देन 5000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जो अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट दैट एक्सीड्स 5000 मार्क। ठीक है जी, इसके अलावा दे हैव गॉट ऑलमोस्ट इक्वल एफिकेसी। मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन है इट इनहिबिट्स एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बट इट हैज़ लेस इफेक्ट ऑन थ्रोम्बिन एज कम्पेयर टू दैट अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन इट इनहिबिट्स बोथ फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन विच इज़ फैक्टर 2। ठीक है जी, इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन के कुछ कैनेटिक्स में प्लस पॉइंट्स हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट में मोनिटरिंग में। ठीक है, वो क्या है जी कि इट हैज़ गॉट इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम द सबक्यूटेनियस साइड। ठीक है, इट हैज़ गॉट प्रडिक्टेबल फार्मेकोकाइनेटिक्स। जो अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, इट हैज़ गॉट अनप्रडिक्टेबल फार्मेकोकाइनेटिक्स जो वेरी करती हैं। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अनप्रडिक्टेबल, विच इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर अ ड्रग टू हैव। ठीक है जी, इसके अलावा जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन है इट रिक्वायर्स लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग। ठीक है, वंस और ट्वाइस डेली इज सफिशिएंट। एज कम्पेयर टू दैट अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन जो है इट रिक्वायर्स मोर फ्रीक्वेंट डोजिंग, अनदर प्लस पॉइंट ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन। ठीक है, मॉनिटरिंग में भी बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन, ठीक है, उसमें वी डू नॉट जनरली रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन। ठीक है, लेकिन अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन के साथ रिक्वायर्ड कंटिन्यूस हम देखेंगे आगे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उसके लेवल्स की विद इन द ब्लड बिकॉज वो वेरी करते हैं अगेन ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है जी, सिर्फ कुछ सेटिंग्स में आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन भी मॉनिटर करना पड़ता है, लाइक इन प्रेगनेंट फीमेल्स में, ओबेसिटी में, इन रीनल इनसफिशेंसी में। ठीक है, तो काइनेटिक्स में इट हैज़ गॉट मैनी प्लस पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखेंगे इसकी जो एंटीडोट है हैप्रिन का दैट इज़ प्रोटामीन। ठीक है, एक्सेस अगर आपने हैप्रिन दे दी है या ले ली गई है तो उसका एंटीडोट प्रोटामीन है, मगर दैट इज़ फॉर अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन। ये एक ड्रॉबैक है लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन का कि इट की न्यूट्रलाइजेशन जो है प्रोटामीन से दैट इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, एंटीडोट इसका फुली अवेलेबल नहीं है, तो ये आपने अलग से आपको नहीं लिखे मिलेंगे कंपैरिजन, ये अंदर काइनेटिक्स में आएंगे, एडवर्स इफेक्ट में आएंगे, मॉनिटरिंग में आएंगे, मैकेनिज्म में आएंगे, तो उधर से थोड़ा सा सम अप करके हैप्रिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये थोड़े से कर देना। जी, काइनेटिक्स में बेटा दे आर जनरली गिवन एज आइदर सोडियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट और दे आर इफेक्टिव फार एंट्रली में भी आईवी और सबकुटेनियसली। ठीक है, दे शुड नॉट नेवर बी गिवन इंटरमास्कुलरली बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अवेलेबल सॉल्ट्स जो हैं आपके पास वो हो गए, और ये हम ऑप्टेन कहाँ से करते हैं कमर्शियल हैप्रिन, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, फ्रॉम कैटल्स। ठीक है, बोवाइन लंग, बोवाइन जो होते हैं दीज आर योर कैटल्स। ठीक है जी, उनसे लेते हैं, तो थोड़ी सी ये काइनेटिक्स कर लेनी है, दिस इज नॉट इफेक्टिव ओरली। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है कि इट हैज़ टू बी गिवन फॉर एंट्रली। अच्छा जी बेटा, एंटी कोगुलेंट्स पे बेटा मॉनिटरिंग भी जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्सवेयर, ये आप इतनी डिटेल में मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, मगर ये वो ड्रग्स हैं एंटी कोगुलेंट्स जिनका एक्सेस कैन लीड टू ब्लीडिंग। ठीक है, और ख़ास तौर पे अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन के साथ, क्योंकि हमने देखा था इट हैज़ गॉट अनप्रडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो मैंडेटरी है। इसके साथ हम मोस्टली मॉनिटर करते हैं इसको अनफ्रैक्शनेटेड हैप्रिन को विद एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दिस इज APTT। APTT क्या होता है, दिस इज़ अ टेस्ट आपका दैट असेस करता है आपके फंक्शन ऑफ योर कोगुलेशन फैक्टर्स, उनकी अमाउंट एंड फंक्शन।
ठीक है, तो ऑब्वियसली हैपन क्योंकि रोक रहा था कोगुलेशन फैक्टर्स प्राइमरीली 2 और 10 को, द थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 को. तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये APTT कितना प्रोलॉन्ग हो जाता है नॉर्मल से. ठीक है जी, APTT बेसिकली होता क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ सेकेंड इट टेक्स फॉर अ क्लॉट टू फॉर्म. ठीक है, तो नॉर्मल है रेफरेंस रेंज दैट इज़ 30 to 40 seconds में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है इफ़ योर अमाउंट एंड फंक्शन ऑफ योर कोगुलेशन फैक्टर इज़ नॉर्मल. मगर अब ये इसने क्या करेंगे, अब हैपन के साथ क्या होगा, बिकॉज इट हैज़ इनहिबिटेड योर कोगुलेशन फैक्टर, तो दिस विल बी प्रोलॉन्ग्ड, इट शुड प्रोलॉन्ग विद अनफ्रैक्शनेटेड हैपन फॉर अ नॉर्मल एक्शन. मगर हमारा टारगेट क्या होता है, वी हैव टू प्रोलॉन्ग द APTT टू 2 to 2.5 times दैट ऑफ द कंट्रोल वैल्यू. ठीक है, जो नॉर्मल 30 to 40 है वो ऑलमोस्ट 80 से 100 के दरमियान ट्वाइस हो जाए भर जाएगी या 2.5 times भर जाएगी. ठीक है, दिस इज द टारगेट व्हेन यू आर गिविंग अनफ्रैक्शनेटेड हैपन, कि इट शुड फॉल विद इन दिस रेंज. इससे ज़्यादा भी ना हो इट विल लीड टू ब्लीडिंग, इससे कम होगी तो इट वोंट एक्ट एज इफेक्टिव एंटीकोगुलेंट. जी, लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन के साथ बेटा मॉनिटरिंग हमने देखा है कि जनरली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू प्रेडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट इन द सेटिंग ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी, ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी. इन कंडीशंस में भी जब आप इनको मॉनिटर करते हो तो हम APTT नहीं देखते, वी डिटर्मन द NT-10A यूनिट्स, जो फैक्टर 10 है उसके एक्टिवेटेड फैक्टर के यूनिट्स काउंट करते हैं. ठीक है जी. अच्छा बेटा, अब है जी हैपन की टॉक्सिसिटी. अच्छा बेटा, द आइडियल एंटीकोगुलेंट जो है बेटा, इट शुड अलाउ द नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल जो आपके बन रहे हैं क्लॉट फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू वैस्कुलर इंजरी. ठीक है, एंड इट शुड ओनली ब्लॉक द पैथोलॉजिकल थ्रोम्बाय फॉर्मेशन. मगर ऑब्वियसली एज सच आइडियल एंटीकोगुलेंट डज नॉट एग्जिस्ट. ये पैथोलॉजिकल थ्रोम्बाय के अलावा नॉर्मल रिस्पॉन्स टू वैस्कुलर इंजरी के रिस्पॉन्स में क्लॉट बन रहे होते हैं उनको भी रोकता है. ठीक है, तो देयर प्रिंसिपल एडवर्स पे क्या होगा, नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन रुकेगा एज वेल, तो दैट इज़ ब्लीडिंग. ठीक है, और दिस इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली पीपल इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर. अच्छा जी, मोर कॉमन एडवर्स पे तो हो गया ब्लीडिंग. अदर देन दैट बेटा, ओके, हैपन जो है इट इज़ ऑफ एनिमल ओरिजिन. ये हम वो वाइन आपके जो कैटल ओरिजिन कैटल से लेते हैं मोस्टली, तो दिस इज दिस कैन कॉज एलर्जी. Thirdly, long-term use जो है it can lead to alopecia, ठीक है, osteoporosis, spontaneous fractures, mineralocorticoid deficiency, and it also causes the release of enzyme lipoprotein lipase. ठीक है, ये कुछ आपको थोड़े से याद कर लेने, लिखने के लिए SEQs में आए तो 5-6 आते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है ऑब्वियसली एंटीकोगुलेंट का, दैट इज़ ब्लीडिंग. अच्छा जी, अदर इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो है दैट इज बेटा हैपन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. दिस इज़ अ स्टमिक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है, जिसमें टेंडेंसी फॉर ब्लड क्लॉटिंग भर जाती है ऑपोजिट टू व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर. हम यूज़ कर रहे हैं एज एंटीकोगुलेंट, मगर दिस इज़ अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, पैराडॉक्सिकल ऑपोजिट इफेक्ट जिसका मैकेनिज्म है उससे उल्टा इफेक्ट है. यहाँ पे कोगुलेशन रुकता नहीं है बल्कि द टेंडेंसी टू ब्लड क्लॉट जो है हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स में बढ़ जाती है. ये होता क्यों है जी, दिस अकर्स इन 1 to 4% ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर ट्रीटेड विद अनफ्रैक्शनेटेड हैपन फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 days. ठीक है जी, इट इज़ बेसिकली एन इम्यून रिएक्शन, एंटीबॉडीज जो हैं दे फॉर्म करती हैं अगेंस्ट दिस कॉम्प्लेक्स एंड दे बाइंड टू हैपरिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 4. ठीक है, और दिस एंटीबॉडीज जो हैं दे एक्टिवेट द प्लेटलेट्स. ठीक है, एंड द प्लेटलेट्स जो हैं दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग एंड दिस क्रिएट्स अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट. ठीक है जी, इसमें जो है बेसिकली बेटा अनफ्रैक्शनेटेड हैपन के साथ अगेन इट इज़ वेरी कॉमन एंड इज लोअर इन दो, द रिस्क जो है इट इज़ लोअर इन दोज ट्रीटेड विद लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन के साथ रिस्क कम है इस एडवर्स इफेक्ट का. ठीक है जी, तो इसमें होगा क्या, ऑब्वियसली देर विल बी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह एंड ऑक्लूजन ऑफ पेरिफेरल और सेंट्रल आर्टरीज जो है डेंजरस एडवर्स इफेक्ट, जहाँ आपको फिर ये विड्रॉ करनी पड़ जाती है. ठीक है, अच्छा, हैपन के साथ क्योंकि जस्ट ये रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है HIT,
which is very dangerous, or besides the fact that it can itself cause bleeding as well. Excess जो है वो bleeding कर सकती है, और adverse effect अगर ये show हो जाए HIT तो it can lead to paradoxically the increased thrombotic accidents. So you have to monitor it. कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं आपने इसके साथ साथ? एक तो हम मॉनिटरिंग देख ली हमने, अब मॉनिटर करते हैं इसका इफेक्ट APTT, ठीक है. इसके अलावा यू हैव टू मॉनिटर द प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है. अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विच डेवलप्स इन अ टाइम फ्रेम कंसिस्टेंट विद एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी 7 डेज के बाद जो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट्स, क्योंकि जो HIT है इट अपेयर्स एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वाइड स्प्रेड प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बॉडी में हो जाता है, ठीक है जी. तो इस दौरान अगर कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपेयर करता है ड्यूरिंग इट्स थेरेपी के साथ, तो इट शुड बी कंसिडर्ड सस्पिशियस फॉर HIT, ठीक है. एंड वंस द HIT डेवलप्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वी आर एडवाइज्ड के डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ हैपन को डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं, और कोई ऑल्टरनेट एंटीकोगुलेंट देते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं जो हम दे सकते हैं इन पेशेंट्स हु डेवलप HIT. उसमें आपके डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आ जाएंगे, ठीक है, और एक कॉन्डापेरिनॉक्स. इसके अलावा यू शुड रिमेंबर कि बेटा ये जो है ये हम देते हैं IV देते हैं, हेपरिन और सबकुटेनियसली देते हैं, एंड नेवर इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, ड्यू टू द डेंजर ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन. तो ये कुछ आपने चीज़ें साथ साथ मॉनिटर कर ली हैं वाइल अ पेशेंट इज ऑन हेपरिन थेरेपी, ठीक है. APTT हो गया, आपका प्लेटलेट काउंट हो गया, टू कीप एन आई ऑन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेवलपिंग, ठीक है, एंड यू शुडंट गिव इट इंट्रामस्कुलरली. अच्छा जी बेटा, क्लिनिकल यूजेस क्या है एंटीकोगुलेंट्स के? आज हेपरिन पढ़ रहे हैं, तो हेपरिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किन सेटिंग्स में, ठीक है. एंटीकोगुलेशन रिक्वायर, इट कैन बी फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइक जहाँ पे देर इज़ इंटेंस स्टिमुलस फॉर क्लॉटिंग, प्रोसीजर्स लाइक कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, ठीक है, आपके एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, हीमोडायलिसिस वगैरह में, ठीक है, यहाँ प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ जनरली गिवन IV, या इवन ओवर अ पीरियड ऑफ डेज अगर आपने करनी है प्रिवेंशन के लिए, इट कैन बी गिवन सबकुटेनियसली इन दीज सेटिंग्स प्रिवेंशन के लिए, ठीक है. इसी तरह बेटा ट्रीटमेंट के लिए भी जहाँ पे बन गए हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, थोड़े से आपको सेटिंग्स पता हो जहाँ यूज़ होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, स्टेंट प्लेसमेंट एंड एंजियोप्लास्टीज एंड हीमोडायलिसिस वगैरह वगैरह. अच्छा बेटा, दिस सम्स अप योर फर्स्ट एंटीकोगुलेंट जो हमने पढ़ा है आज, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, दैट इज़ हेपरिन, ठीक है. इसका मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट्स, मॉनिटरिंग, ठीक है, थोड़ी काइनेटिक्स जो डिफरेंट है, थोड़ी चीज़ें जो बाकी में आप नहीं करते हैं, या मॉनिटरिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है. फिर एडवर्स इफेक्ट्स तो है इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, उसमें आपका ब्लीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर HIT. जब HIT अपेयर हो जाए तो आपने फिर किस ऑल्टरनेट एंटीकोगुलेंट पे शिफ्ट करना है, और HIT को डिटेल में थोड़ा देख लेना, मॉनिटरिंग थोड़ी डिटेल में देख लेना. बाकी सब चीज़ें तो वही हैं जो आपने हर चैप्टर में करनी होती हैं, मैकेनिज्म्स एंड काइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस, ये एक दो चीज़ें जो हैं एडिशनल हैं थोड़ी इसमें, ठीक है जी. कॉन्ट्राइंडिकेशन बेटा क्या होंगी? ऑब्वियसली आपको पहले बताया HIT जहाँ पर डेवलप हो जाए वहाँ पे हैपरिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी है टू द ड्रग अगर, और ऑल कंडीशन जहाँ पर पहले ही बंदा ब्लीडिंग पे एट रिस्क है, लाइक एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, परफोरेटिंग जो आपके अल्सर्स हैं, हीमोफीलियाज हैं, सवेयर हाइपरटेंशन विद इंटरक्रैनियल हेमरेज वगैरह, एक्टिव TB, ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, एडवांस्ड हेपेटिक और रिनल डिजीज़ है, और या फिर रिसेंट सर्जरी हो है कोई भी, ठीक है, तो उनमें दिया है दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे ब्लीडिंग का रिस्क ये और बढ़ा देगा. अच्छा जी, नाउ बट अगर एक्सेस हो जाए तो रिवर्सल ऑफ हेपरिन एक्शन इज इम्पॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि ऐसी ड्रग्स नहीं है कि जो आप एक्सेस हो जाए तो यू कैन लीव देम अनचेक्ड कि एडवर्स इफेक्ट सबसाइड कर जाएंगे, क्योंकि दे कैन लीड टू ब्लीडिंग दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो यू हैव टू हैव सम एंटीडोट्स अवेलेबल, ठीक है जी. तो इनके रिवर्सल भी इम्पॉर्टेंट है अदर देन मॉनिटरिंग, इनके रिवर्सल ऑफ एक्शन कैसे कर सकते हैं इन केस ब्लीडिंग अकर्स, ठीक है. अगर देर इज़ नो ब्लीडिंग तो यू कैन सिंपली डिसकंटिन्यू द ड्रग इन केस ऑफ एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट एक्शन, बट इफ ब्लीडिंग अकर्स तो देर इज़ स्पेसिफिक एंटीडोट है हेपरिन का, दैट इज़ प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है जी. हेपरिन क्या था बेटा? इट इज़ एन एसिटिक मॉलिक्यूल, जो प्रोटामीन है दिस इज़ हाईली बेसिक पेप्टाइड,
ठीक है, दिस इज़ वट सॉर्ट ऑफ एंटागोनिज्म, इट इज एसिडिक मॉलिक्यूल कंबाइनिंग विद अ बेसिक सब्सटेंस, दिस इज़ अ केमिकल एंटागोनिज्म, ठीक है, दे फॉर्म एन आयन पेयर टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स. हर 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन के लिए यू रिक्वायर 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामीन इज गिवन आईवी, जस्ट लाइक हेपरिन, ठीक है जी. एंड रिमेंबर कि प्रोटामीन का अपना भी एंटीकोगुलेंट एक्शन है, तो एक्सेस शुड बी अवॉइडेड. अच्छा जी, ये भी रिमेंबर कि जो है प्रोटामीन की यूनिवर्सल, प्रोटामीन के साथ जो रिवर्सल ऑफ एक्शन है दैट इज़ फॉर द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन प्राइमरीली, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्राइमरीली उसको रिवर्स करता है उसके एक्शन को. लो मॉलिक्यूलर वेट की जो है न्यूट्रलाइजेशन दैट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, ये हमने उसके कंपैरिजन में भी देख लिया था, एक कंपैरिजन में ये पॉइंट भी आता है, ठीक है जी. इनोक्सापेरिन के लिए या कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के नाम है, इनोक्सापेरिन, डिनोक्सापेरिन, ठीक है, डेनाफ्रॉइड. इनोक्सापेरिन के लिए फिर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, बट फॉर डेनाफ्रॉइड यू हैव टू रिमूव दैट बाय प्लाज्मा फेरेसिस. अच्छा जी बेटा, एक हो गया अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, एक हो गया लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, एंड देन वी हैव दिस सिंथेटिक पेंटासेक्राइड सीक्वेंस नोन एज फोंडापेरिनॉक्स विच ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट. अब ये सिंथेटिक पेंटासेक्राइड सीक्वेंस क्या है, हमने देखा था कि हेपरिन को टू कंबाइन विद द एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पेंटासेक्राइड सीक्वेंस. तो ये सिर्फ वो सिंथेटिक पेंटासेक्राइड सीक्वेंस डेवलप किया गया है स्पेसिफिकली, ठीक है, दैट इज़ फोंडापेरिनॉक्स. इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक बहुत हद तक मैच करती हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है, ये भी इनएक्टिवेट करता है सिर्फ फैक्टर 10 को, ठीक है, नो इनएक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन, जस्ट लाइक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन. जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन था वो भी वंस या ट्वाइस डेली देते हैं, ये भी लॉन्ग हाफ लाइफ है, वंस डेली डोजिंग और बाय सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. और जो चांसेस हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ एचआईटी के सबसे ज़्यादा होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ कम होते हैं और फोंडापेरिनॉक्स के साथ बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, सो दे डू नॉट क्रॉस रिएक्ट विद पैथोलॉजिकल एचआईटी एंटीबॉडीज, ठीक है. तो ये एक प्लस पॉइंट है, वेयर एचआईटी डेवलप्स यू कैन शिफ्ट टू फोंडापेरिनॉक्स. हाँ, तो दिस इज़ इस प्राइमरी यूज़ भी इसीलिए ये डेवलप किया गया था, इट हैज़ बिन यूज एज एन ऑल्टरनेटिव एंटीकोगुलेंट इन एचआईटी पेशेंट्स, ठीक है, और इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड जस्ट लाइक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, उसके लिए भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन थी बाय प्रोटामीन, इसकी भी इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय प्रोटामीन एट ऑल, ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको फोंडापेरिनॉक्स के फीचर्स आपने जनरल कर लेने पर भी नोट आ सकता है. तो बेटा दिस आज का लेक्चर ये समअप हो गया, थोड़ी सी अगेन स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी फर्स्ट, सी कि क्लॉटिंग का नॉर्मल, उसमें प्लेटलेट का क्या रोल है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या रोल है, उसमें थ्रोम्बिन का क्या रोल है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, उसमें प्लेटलेट्स और थ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल पहले देख लो, फिर इट विल बिकम ईजी. ऑब्वियसली मैकेनिज्म करने हैं, यूजेस करने हैं, एडवर्स इफेक्ट करने हैं, उसमें जो थोड़ा सा और चीज़ें आ गई हैं एंटीकोगुलेंट से रिक्वायर्ड दैट इज़ मॉनिटरिंग आ गई है, और थोड़ा इनका रिवर्सल ऑफ एक्शन इन केस एक्सेस हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो वो कैसे करना है, कुछ एडिशनल एक दो टॉपिक आपने एंटीकोगुलेंट्स में देखने हैं, ठीक है जी. चलो गुड लक, नेक्स्ट टाइम अब और डील कर लेंगे एंटीकोगुलेंट्स.